नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको शीतला माता की कथा सुनाएंगे। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के दो बेटे और दो बहुएं थी। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी आई। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार होंगी, बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप दो बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आ गई। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाल के चूरमा खाया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन तो करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ये सब शीतला सप्तमी के दिन ठंडे की बजाय गर्म खाने से शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की आड़ में शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक बूढ़ा पेड़ आया। वो खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओढ़ी और शीतला दोनों बहनें बैठी थी। दोनों के बालों में जू थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसे ही तुम्हें भी पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन ही नहीं हो रहे। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिनी हो, दुष्ट हो, दुराचारिणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने लायक भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। ये सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खा लिया था, आपके प्रभाव को हम जानती ही नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम फिर कभी ऐसा काम नहीं करेंगी। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को लेकर आनंद से पुनः अपने गाँव लौट आई। गाँव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। हे शीतला माता, आपने दोनों बहुओं पर जैसी कृपा की वैसे ही सभी पर करना। आपकी कथा सुनने वाले, पूजा पाठ करने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो शीतला मात की जय।